जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ देवेंद्र छात्रावास के छात्रों ने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कुल सचिव के द्वारा सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज करते हुए छात्रों को पतासाजी करना शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव दीपेश मिश्रा के साथ कुछ छात्रों ने उनके कार्यालय में पहुंचकर अभद्रता की और उनके जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कुल सचिव के द्वारा FIR दर्ज कराई गई। जहां कुल सचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि वो अपने कार्यालय में कुछ कार्य कर रहे थे, तभी कुछ छात्रों के द्वारा कैबिन में घुस गए और जान से मारने की धमकी के साथ ही अभद्र तरीके से बात करने लगे। आज मैं अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था कुल सचिव कक्ष में, तो 4:30 बजे के करीब सोमदत्त यादव, सुरेंद्र कुशवाहा और अभिनव तिवारी मेरे रूम में जबरदस्ती आ गए। एक परीक्षा संबंधी कार्य कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे कार्य कर लेने, जबरदस्ती मेरे रूम में घुसे, हमला करने के उद्देश्य से गंदी गंदी गालियाँ दी और धमकी दी मुझे, मेरे निवास में घुसने की धमकी दी, तो उसी की मैं शिकायत करने अभी सिविल लाइन थाने में आया। छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं ये, यहाँ पे इनके संबंध में, क्योंकि मैंने अभी दिवेन छात्रावास में रहने वाले जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वहाँ, क्योंकि रैगिंग वगैरह की घटनाएं अभी कुछ हुई हैं, उसको रोकने के लिए हमने जानकारी मांगी थी थाने से, तो उसी के लिए वो दबाव डालने आए थे कि आपके द्वारा कैसे जानकारी मांगी जा रही है। हम हॉस्टल ऐसे बंद, किसी को हम जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने देंगे और ये नहीं करने देंगे, ऐसी गालियाँ देते रहे मुझे, हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं उनके द्वारा, जिनके द्वारा ये धमकी दी गई। क्या ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं? ये छात्र हैं, पर इनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हैं, सोमदत्त यादव के ऊपर कुछ FIR भी दर्ज हैं, और ये विश्वविद्यालय के जो नियम है उससे ज़्यादा समय से वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो हम जो कार्रवाई करना चाहते थे छात्रावास में उसी को ना करने के लिए उचित दबाव डालते ये लोग रोकना चाह रहे हैं। वहीं कुल सचिव के द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई FIR के बाद पुलिस ने इसको सीरियस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर दीपेश मिश्रा थाना उपस्थित आकर देवेंद्र छात्रावास में रहने वाले छात्र सोमदत्त यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, अभिनव तिवारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाए हैं कि कार्यालय में गोपनीय कार्य, परीक्षा से संबंधित कार्य मैं कर रहा था। ये तीनों छात्र अनाधिकृत रूप से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुल सचिव महोदय के कमरे में अंदर प्रवेश करके कुल सचिव महोदय को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहां इस घटना को लेकर कुल सचिव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी इन छात्रों के विरुद्ध नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP News जबलपुर।